हमारे पास ग्रीन स्टोरेज बैग होते हैं जिसमें आप बिना किसी केमिकल के कोई भी ड्राई कमोडिटी लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, मसाले, बीज कोई भी स्टोर आप करके रख सकते हैं। जो नॉर्मल पॉलिथीन बैग होता है ना उसमें से ऑक्सीजन पास होती है, बट जो हमारा बैग होता है इसमें से ऑक्सीजन मॉइस्चर कुछ भी पास नहीं होता। जो बैग होता है उसके अंदर वो कीड़े पैदा होने के लिए वो एनवायरनमेंट ही नहीं बन पाता। नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। हम आए हैं कृषि ऑर्गेनिक एक्सपो में, स्टॉल है ग्रेन प्रो स्टोरिंग द फ्यूचर। हम बात करेंगे केमिकल फ्री स्टोरेज के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं मैम मिट्टू जागरा जी, वो हमें बताएंगे कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। हाँ जी मैम, हम स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको बिना किसी केमिकल पे आप अपना कोई भी ड्राई कमोडिटी स्टोर करके रख सकते हैं। हमारे पास ग्रीन स्टोरेज बैग होते हैं जिसमें आप बिना किसी केमिकल के कोई भी ड्राई कमोडिटी लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, मसाले, बीज कोई भी स्टोर आप करके रख सकते हैं। ये हमारे पास क्वांटिटी हमारे पास कम एक 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड जो किसान को स्टोर करना है 25 kg में भी अवेलेबल है, 50 kg में जो छोटी क्वांटिटी में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसमें एज ए लाइनर बैग की तरह आप यूज़ कर सकते हैं और ये अप टू आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ये जो मटेरियल होता है रीयूजेबल भी होता है, आप इसको 2-3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज सॉल्यूशन के अलावा हम ड्राइंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें कोई भी ड्राई कमोडिटी को सुखाने के लिए ये सोलर एनर्जी पे बेस होता है, इसके अंदर ये फैन लगा होता है सो दैट आप कोई भी कमोडिटी को ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे जो होता है जो टेम्परेचर कम होता है बारिश हो गई तो उसमें हेल्पफुल होता है। तो ये कितने केजी का इसमें कैपेसिटी है? ये हमारे पास 500 किलो में और 1000 किलो में अवेलेबल है। ये हर्मेटिक बैग्स होते हैं, मैंने आपको बताया स्टोरेज के लिए होते हैं 25 kg, 50 kg जिनको किसानों को स्टोर करना है सो दैट उनका जैसे क्या होता है ना चावल गेहूं वगैरह करते हैं तो काफी दिन तक प्लास्टिक के बैग में स्टोर करते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, कीड़ों के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। अगर हम इसमें स्टोर करके रखेंगे तो कीड़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अलावा हमारे पास ट्रांसेफ लाइनर है, जैसे जो शिपिंग कंटेनर होते हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट से गुजरते हैं तो उसमें क्या होता है ना आप ये लाइनर बैग यूज कर सकते हो जिसकी वजह से आपको कोई भी इन्फेस्टेशन का इशू नहीं होगा, मतलब कोई भी कीड़े का पेस्ट का कोई इशू नहीं होगा। नॉर्मल बैग और आपके प्रोडक्ट में आपके वाले बैग में क्या नहीं? ये नॉर्मल बैग जो नॉर्मल पॉलिथीन बैग होता है ना उसमें से ऑक्सीजन पास होती है, बट जो हमारा बैग होता है इसमें से ऑक्सीजन मॉइस्चर कुछ भी पास नहीं होता। जो बैग होता है उसके अंदर वो कीड़े पैदा होने के लिए वो एनवायरनमेंट ही नहीं बन पाता तो ये नॉर्मल प्लास्टिक बैग नहीं है। मैं मिट्टू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशा है ये जानकारी किसान भाई बहनों को अच्छी लगेगी और उनके बिजनेस में लाभकारी रहेगी। तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.